कहते क्या है हम तुम्हारा? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी। राधे श्याम कितनी भव्य मूवी है। पूजा का कैरेक्टर कैसा था मूवी में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ राधे श्याम मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक मूवी में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी मूवी बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य मूवी है। किसी मूवी की भव्यता मूवी की कहानी को विजुअली अपीलिंग और रिच बनाने का काम करती है। मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती हैं जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धरी की धरी रह जाती है और मूवी बोरिंग बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। मूवी के हिंदी वर्जन के डायलॉग्स ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इसकी कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी से वैसे और वैसी बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने मूवी में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिंग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर मूवी में वो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन ओवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं। वो अपनी ओर से कोशिश करते हैं मगर मूवी को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात ये है कि मूवी में उन्होंने तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। मूवी में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल रॉय कपूर जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाने का है। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक मूवी है मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के स्तर में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती है। वेल दर्शकों, आपने देखा कि नहीं ये मूवी? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।